बस अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज वी आर बैक अगेन विद न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है अंजना ओम कश्यप जी की असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ। तो भाई इनके इंटरव्यू होती है, डिबेट चलती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव सी डिबेट हुई थी दोनों तरफ से। तो हम वीडियो देखने वाले हैं भाई कहलाए रिएक्ट निधि शर्मा की। तो देखते हैं भाई इस वीडियो को और देखते हैं भाई किस बात पे जंग छिड़ रही है, किस बात पे बहस हो रही है, किस बात पे डिबेट हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। पूछना चाहता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया था उस पर, एक मिनट ये बताइए कोई कार्रवाई। एक सेकंड ओवैसी साहब का एक ट्वीट मैं निकालना चाहती हूं सर। एक सेकंड जरा इनका जवाब तो जवाब दीजिएगा। हमने तलाक एक्सेप्ट किया है, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। सुनिए सर, आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के ऊपर मुसलमानों में बहुत अच्छा इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड ओवैसी जी आपने ये वाला अपना ट्वीट देखिए, मगर आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। एग्जैक्टली, मैं अपने मजहब पर चलूंगा, आपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तुम भी करो, ये तो जबरदस्ती है आपकी। फिर तो आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पूरी खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात सुनिए, आप कुप्रथा को अंत करेंगे या नहीं, सती को किया या नहीं किया? आप जब ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर, आप ट्रिपल तलाक को कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। आपने खुद कहा कि तलाक में बिदअत नहीं है। 1/9 के बदलाव में क्या दिक्कत? अब 2:1 का मुकाबला हो रहा है। हाँ हो रहा है सर, आप दोनों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप 2:1 का हो, महिलाओं के खिलाफ बोल रहे। अब आप सुनिए, आर्टिकल 26 पढ़ा आपने? 26 पढ़ा आपने? नहीं, आप हाँ या ना में तलाक की बिद्दत इस्लाम में है या नहीं है, मुझे आप हाँ या ना में आज बता दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी तलाक बिद्दत इस्लाम में कुरान में है और गुनाह है। है और गुनाह है, तो यही तो मैं कह रही हूँ आपको। तो जो गुनाह है उसको सरकार कह रही है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। कश्यप को एक्सपोज करने का टाइम आता आप भाग जाते हैं, निकल। अरे सुनो तो सही, अंजना को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? मोदी जी को एक्सपोज कीजिएगा। अरे मोदी करके आए पार्लियामेंट में, करके आए हैं, सब सुनकर आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है बताइए? आर्टिकल 26 सेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन के प्रोटेक्शन का राइट है और ट्रिपल तलाक या तलाक जो है वो हनाफी स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है। इनसे पूछ लीजिए शियाओं में क्या है, इनसे पूछिए अहले हदीस में क्या है, इनसे पूछिए कि वो शिया में अतना अशरी कौन है, जाफरी कौन है, नहीं बता पाएंगे। इनको कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और सुन के आके बोल रहे हैं। लग रहा है ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। आर्टिकल 26 सर, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। कुप्रथा है सर, कुप्रथा है या नहीं? आपने खुद कहा गुनाह है। गोत्र के कौन ब्राह्मण कौन होते हैं आप भी नहीं बता पाएंगे, कितने गोत्र होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपके बारे में। एक बात की बात कर, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। गुनाह है ना तलाक बिद्दत? तलाक बिद्दत गुनाह है ना? आप खुद कह रहे हैं कि तलाक बिद्दत गुनाह है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 को कोट करके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? ना क्यों कह रहा हूँ, आप खुद बोलिए ना सर, इसको अपराध बनाइए। आप बोलने देंगे तो कहेंगे ना, बोलिए। आपको इतनी बेचैनी है तो आप सुन क्या कर सकता हूँ, बोलिए जवाब दीजिए। बहुत दिन के बाद आया तो आपको लग रहा है। आर्टिकल 26 में प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन है। जलीकट्टू क्या है, जलीकट्टू का ऑर्डिनेंस कैसे निकाला आपने बताइए? हाँ वो तो है इनका, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इनकी। अरे वोट बैंक नहीं है वो, बिल्कुल है। सुनिए जलीकट्टू सबरीमाला सब में वोट बैंक है इनका। सबरीमाला में भी आता है, तब आस्था के पीछे छिप जाते हैं सुधांशु द्विवेदी। वो एनिमल के ऊपर बड़ी अट्रॉसिटी है और जहाँ काट दिया जाएगा बकरा वहाँ कोई ये कोई दलील है? ये कोई दलील है? ये कोई दलील नहीं है। मगर मैं उनसे अच्छा, सबरीमाला में क्या बताइए? सबरीमाला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमाला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमाला क्यों नहीं दिखता है? बराबरी क्यों नहीं दिखती है? इनका सिमेट्रिक रिलीजन और हमारा डाइवर्सिफाइड, अंतर क्या है? जब आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए, नवरात्र होती है जिस दिन 9 दिन का उद्यापन होता है, 9 कन्याएं ही खाती है, एक लड़का नहीं खाता। कहीं पर लड़की की सुपीरियरिटी महिला की, कहीं पुरुष की सुपीरियरिटी। आप तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाओ, क्योंकि हमारा एक अलग प्रकार का धर्म है जो विभिन्न प्रकार का है। इनके सिमेट्रिक पैमाने क्या दलील है सर? अरे भाई और क्या? अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब कहीं देवी बनाई है, कहीं देवी बनाई है, कहीं रेप के आरोपी को अपने पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब उन्नाव का एक MLA रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूँ हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूँ, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे, बटला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं। न प्रियदर्शिनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहे। घड़ियाली आंसू क्यों सर? मुझे आपको तकलीफ नहीं हो रही, लोगों के लिए आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह रहा हूं हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे FIR हुई हो बता दीजिए, रूलिंग पार्टी का बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए, पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही 24 घंटे। एक सेकेंड, आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो FIR आपकी यूपी पुलिस ने किया, उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप, एक के बाद एक, एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है, क्या बात कर रहे हैं सर अंजना जी? और अब हत्या भी हुआ तो यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती CBI को बुला? FIR में 2 एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन में विधायक का नाम ही नहीं है, जब नाम नहीं तो गिरफ्तारी कैसे हो जाए? दूसरे में नाम आया तो गिरफ्तारी हुई। आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट वर्ड्स में आप लेख निकाल के आई हूं, क्योंकि ओवैसी साहब आर्टिकल 26 कहता है गिव्स एवरी रिलीजियस ग्रुप एक सेनारी सर। ठीक है, वापस आएंगे। देखिए अंजना जी ने वापस आएंगे। सो गाइस ये थी वीडियो भाई, पर अंजना में जो दम है ना भाई इनमें। अच्छा एक चीज मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि डिबेट रिलीजियंस में बहुत रेयर होती है, अगर होती है तो भाई इन न्यूज़ चैनल के थ्रू होती है भाई। वो ऐसे इकट्ठे करके सामने बिठाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इसी बात जंग छीनने वाली चीज़ें होती हैं, फिर यही रील्स या शॉर्ट्स में ये चीज़ें चलती हैं और उस वजह से फिर लोग थोड़े से मैनिपुलेट होते हैं चीज़ों को देख के, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। और ये थी वीडियो अंजना ओम कश्यप की भाई, मतलब तीनों एक दूसरे के इंगेज चले हुए हैं भाई। वो क्वेश्चन पुट करे जा रही है, वो जवाब दी जा रहा है, एक दूसरा जवाब दे रहा है, वो ऐसे करके तीनों एक दूसरे के क्वेश्चन में चले हुए हैं। तो बाकी ये थी वीडियो, मज़ा आ रहा था इस डिबेट देखने में, भाई आंसर हमें भी लगते हैं पता कि क्या चीज़ें हो रही है ना। तो बाकी तो ये थी वीडियो, होप सबको पसंद आई हो गाइस। अगर आप चाहते हो ऐसी और डिबेट वाली वीडियोस देख के हम ओवैसी जी की अंजना के साथ, तो जरूर बताएं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।